There are three types of data distribution normal distribution, binomial distribution, and third one is Poisson distribution. So, first of all, what is normal distribution? The data which is normally distributed, or the data which follow normal bell shaped curve is known as normal data. एन एन एंड सच टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज नोन एज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर अगर जो डेटा है, है उनका अगर हम मीन निकालें और हर इंडिविजुअल वैल्यू का मीन से डिफ्रेंस निकालें तो वो कम होता है इसके मुकाबले में एक ऐसा डाटा जो एसमेट्रिक डाटा होता है या उसमें मीन वैल्यू और इंडिविजुअल वैल्यूज़ के दरम्या में जो डिफरेंस होता है वो ज़्यादा होता है नॉर्मल डाटा का मीन मीडियन और मोड तकरीबन बराबर होते हैं नॉर्मल डाटा के अंदर एक्सट्रीम वैल्यूज बहुत कम होते हैं नॉर्मल डाटा की मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड एरर स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन की वैल्यूज कम होती हैं तो ऐसा डाटा जो नॉर्मल बेल शेप कर्व को फॉलो करता हो उसको नॉर्मल डाटा कहते हैं और इस किस्म की जो डिस्ट्रीब्यूशन है इसको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं दूसरी जो टाइप है डाटा डिस्ट्रीब्यूशन की ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है बाइनोमियल डाटा ऐसा डाटा होता है जिसकी दो पॉसिबल आउटकम्स होती हैं फॉर एग्जाम्पल अगर हम पांच मैचों की एक सीरीज खेलते हैं तो उसमें हर मैच का जो आउटकम है या तो कोई टीम मैच जीतती है या फिर मैच हार जाती है तो इसका मतलब यह है कि हर जो इवेंट है उसके दो पॉसिबल आउटकम्स हैं यहां पे जो नंबर ऑफ इवेंट्स होते हैं ये पहले से डिसाइडेड है फॉर एग्जांपल हमने कहा कि पांच मैचों की सीरीज तो ये पहले से डिसाइडेड है कि पांच मैच खेले जाएंगे लेकिन इसमें हर मैच का जो आउटकम होगा वो डिफरेंट होगा या हार होगी या फिर जीत है इसी तरीके से अगर हम एक कॉइन को टॉस करते हैं तो हेड भी आ सकता है टेल भी आ सकता है तो यहां पे जो इवेंट है उसके दो पॉसिबल आउटकम्स हैं एक हेड या फिर टेल तो इस किस्म की जो डिस्ट्रीब्यूशन है जिसके अंदर हम डेटा की दो पॉसिबल आउटकम देख सकते हैं इसको बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर जो नंबर ऑफ इवेंट्स हैं, ये पहले से प्रीडिटर्म होते हैं जो थर्ड टाइप ऑफ डाटा डिस्ट्रीब्यूशन है थर्ड टाइप ऑफ डाटा डिस्ट्रीब्यूशन को हम प्वाइजन डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं प्वाइजोन डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर जो नंबर ऑफ इवेंट है ये पहले से प्रीडिटर्मेंट नहीं होते और ये इवेंट सम टाइम एक्सट्रीम तक पहुंच जाते हैं यानी इनकी तादाद बहुत ज्यादा हो सकती है नॉर्मल हालात के अंदर जो पाइज़ोन डिस्ट्रीब्यूशन है इसके अंदर जो नंबर ऑफ इवेंट्स होते हैं वो बहुत कम होते हैं फॉर एग्जांपल अगर हम लाहौर के अंदर एक घंटे के अंदर जो इंडिविजुअल्स मरते हैं उनकी तादाद को नोट करें तो वो कम होती है लेकिन सम टाइम इनका नंबर बहुत ज्यादा हो सकता है अगर कोई ऐसा हादसा हो जाए जिसके नतीजे में बहुत ज्यादा लोग मर जाए तो इसका जो नंबर है शराह अमवाद बहुत ज्यादा बढ़ सकती है तो इस किस्म का डाटा इस किस्म की डिस्ट्रीब्यूशन जिसके अंदर जो इवेंट्स हैं वो पहले से डिटर्मेंट तो नहीं होते लेकिन सम टाइम ये एक्सट्रीम तक जा सकते हैं इस किस्म के डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं तो तीन किस्म की डाटा डिस्ट्रीब्यूशन है पहली जो टाइप है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है जो कि नॉर्मल बेल शेप कर्व को फॉलो करती है इस किस्म का जो डाटा होता है इसके अंदर एक्सट्रीम वैल्यूज बहुत कम होती हैं और इंडिविजुअल वैल्यूज का मीन वैल्यू से जो डिफरेंस है वो कम होता है दूसरी जो टाइप है वो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर जो नंबर ऑफ इवेंट्स हैं वो पहले से प्रीडिटर्मेंट होते हैं लेकिन हर जो इवेंट है उसका जो आउटकम है वो इंडिपेंडेंट होता है और दो थर्ड टाइप है डिस्ट्रीब्यूशन इसके अंदर जो नंबर ऑफ इवेंट्स हैं ये पहले से प्रीडिटर्मेंट तो नहीं होते लेकिन सम टाइम इसकी तादाद बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और इन के अंदर जो नंबर ऑफ इवेंट्स हैं वो एक अनलिमिटेड नंबर के अंदर कन्वर्ट हो सकते हैं